456 किलोमीटर की रेंज 0 to 100 की स्पीड पकड़ लेती है दोस्तों सिर्फ 8.3 सेकंड्स में। 0 to 80% बैटरी चार्ज हो जाती है 50 मिनट्स में। कीमत शुरू होती है मात्र 15,99,000 रुपीज से। दोस्तों टाटा नेक्सॉन ईवी को कली टक्कर देने आ चुकी है महिंद्रा की एक्सयूवी 400 ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ये आइए दोस्तों, इसके दो वेरिएंट्स इसमें उतारे हैं, ईसी और ईएल। इसमें टॉप मोस्ट वेरिएंट ईएल ये है आपके सामने। दोस्तों इस गाड़ी की कीमत 19,19,000 रुपीज़ है, जो कि यूपी में ऑन रोड टक्करी में पड़ती है 20 लाख रुपीज़ की। इसमें मिलता है सबसे लंबा व्हील बेस अपने सेगमेंट में, और वाइडेस्ट जो है ये गाड़ी है, यानी चौड़ान भी इसकी ज़्यादा है, इसकी लंबान भी आपको अच्छी मिलती है, व्हील बेस भी बेटर मिलता है, जिससे मिलता है स्पेसियस केबिन, एक्सटीरियर में बेटर स्टाइलिंग, केबिन पे बेटर स्पेस, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है एक्सयूवी 400। चलिए बात करते हैं इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट की और देखते हैं क्या है इस गाड़ी की खासियत। टॉप मोस्ट वेरिएंट ईएल दोस्तों मैं आपको चेक करा रहा हूँ, जिसमें 39.4 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है। मोटर पावरफुल दिया हुआ है, जो कि 1110 किलोवाट यानी 150 पीएस का पावर जनरेट कर लेती है, और टॉर्क है इसमें 310 Nm का। इसको चार्ज करने के लिए देखिए यहाँ पे इस साइड पे जो है चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, डीसी चार्जर्स यहाँ पे इसमें चार्ज करने के लिए है। 50 मिनट्स में ये गाड़ी जो है चार्ज हो जाती है 0 to 80%, यानी इसमें फास्ट चार्जिंग सिस्टम दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो ऑल ओवर गाड़ी पे जो है आपको देखने को मिलेंगे सैटिन कॉपर इंसर्ट्स। ये देखिए फ्रंट लुक इसमें आप चेक कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये देखिए सैटिन कॉपर इंसर्ट्स देखने को दिए हुए हैं। न्यू महिंद्रा का लोगो भी इसमें दे रखा है, जो कि कॉपर कलर पे दे रखा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इस वाले पोर्शन को देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए कई जगह पे सेटिंग कॉपर इंसर्ट दिए हुए हैं। इवन साइड प्रोफाइल पे भी यहाँ पे चेक कर लीजिए, और इसकी जो रूफ़ है ये देखिए ब्लैक कलर की गाड़ी में आपको चेक करा रहा हूँ, और सेटिंग कॉपर कलर की यहाँ पे रूफ दी हुई है। डुअल टोन वेरियंट दोस्तों इस समय आप चेक कर रहे हैं। फ्रंट में हेडलैम्प चेक कर लीजिए, जो कि आपको इसमें मिलते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, हाई बीम लैम्प जो है वो इसमें हैलोजन रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, और उसके ऊपर यहाँ पे आप इसके DRL लाइट्स को चेक कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने इस गाड़ी का फ्रंट लुक चेक करा लिया है। ये गाड़ी काफ़ी हद तक सिमिलर दिखती है XUV 300 की तरह, लेकिन इसमें जो है आपको ज़्यादा लेंथ मिलती है, यानी ये गाड़ी XUV 300 से ज़्यादा लंबी है। व्हील बेस भी इसमें ज़्यादा दिया हुआ है, विड्थ भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है इसमें आपको बेटर स्पेस है। जब गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो आपको चेक कराएंगे। चलिए साइड प्रोफाइल यहाँ से आपको चेक करा देता हूँ। R16 inch के डायमंड कट एलॉय व्हील्स इस गाड़ी पे दिए हुए हैं। टायर सेक्शंस अच्छे से दिखा दूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 205/65 R16 inch के ये व्हील्स मिल जाएंगे। चारों डिस्क ब्रेक्स आते हैं, यहाँ पे बेटर जो है ब्रेकिंग सिस्टम दे रखा है। ऊपर की तरफ देख लीजिए, ब्रिज टाइप रूफ रेल्स इसमें प्रोवाइड की गई है। यहाँ से आप साइड प्रोफाइल एक अच्छे से चेक कर सकते हैं इस गाड़ी का। चलिए आ जाते हैं बैक साइड पे, और बैक से आपको चेक करा देते हैं ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा एक्सयूवी 400 को। ये देखिए इसके अगर आप यहाँ पे टेल लैंप्स को नोटिस करिए, ये भी LED पैटर्न्स पे दे रखे हैं। ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर लगते हैं XUV 300 से, लेकिन साइज़ वाइज थोड़े से ये बड़े हैं। इसके बाद अगर हम बैक पोर्शन पे देखेंगे तो पीछे के बम्पर्स में सेंसर्स और यहाँ पे एक कैमरा इसमें दिया हुआ है। सिंगल कैमरा दोस्तों इसमें आता है, 360 डिग्री कैमरा प्रोविज़न इसमें नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे चेक कर लीजिए रियर वाइपर डिफॉगर्स, और टॉप पे चेक करिए तो माइक्रो रूफ एंटीना मिल जाएगा। तो एक्सटीरियर में दोस्तों मैंने आपको चेक करा दिया है इलेक्ट्रिक SUV XUV 400 को। चलिए अब बात करते हैं इसके केबिन की और दिखाते हैं कितना इसमें स्पेस है। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का इंटीरियर प्रोफाइल आपके सामने। एक्सटीरियर की तरह दोस्तों इंटीरियर में भी कई जगह पे आपको सेटिंग कॉपर इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि देखिए AC वेंट्स के सराउंड्स पे हैं, स्टीयरिंग पे महिंद्रा का जो लोगो है ये भी सेटिंग कॉपर फिनिश पे दिया हुआ है, जिसका सराउंड्स आप चेक करिए तो यहाँ पे ब्लू कलर से दिया हुआ है। टॉप मोस्ट वेरियंट ईएल दोस्तों आप चेक कर रहे हैं, इस गाड़ी की जो सेटिंग्स हैं ये प्रीमियम मिलती हैं, क्योंकि इसमें लेदराइट सेटिंग्स आ जाती हैं, और यहाँ पे देखिए ये सब ब्लू कलर के स्टिचेस इसमें दिए हुए हैं। डोर ट्रिम्स भी चेक कर लीजिए, इसमें भी आपको यहाँ पे सब लेदर ट्रिम प्रीमियम क्वालिटी की सॉफ्ट ट्रिम मिलते हैं। सेटिंग्स चेक कर लीजिए, ड्राइविंग सीट में आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक यानी पावर सेटिंग्स प्रोवाइड नहीं की गई हैं। तो चलिए यहाँ पे सेटिंग्स चेक कर लिए हैं। इंटीरियर प्रोफाइल दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया है, बैक सेटिंग आपको चेक करा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का बैक डोर आपके सामने, और पीछे की सेटिंग यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं।
तीन हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। सेंटर पे यहाँ पे देखिए ये एक आर्मरेस्ट दिया हुआ है जिसमें दो कप होल्डर्स प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए अब बैठते इस गाड़ी की बैक सीटिंग पे और आपको चेक कराते हैं कितना इसमें स्पेस है। महिंद्रा XUV 400 पे दोस्तों जो व्हील बेस है वो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा इसमें लेगरूम दिया हुआ है। मेरी हाइट है 5'8" और ड्राइविंग सीट जैसे मैं ड्राइव करता हूँ मैंने उसी हिसाब से सेट करी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने लेगरूम को, हालांकि ये जो पोर्शन है दोस्तों ये इसमें हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। और सीटें जो हैं वो कह लीजिए बहुत ज़्यादा ऊंची तो नहीं है, बट स्टिल थोड़े बहुत पैर मेरे इसमें अंदर जा रहे हैं जिससे मैं थोड़ा बहुत इसमें स्ट्रेच कर पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पे थाई सपोर्ट भी ठीक अच्छा मिल जाता है। और सेंटर हम की बात करते हैं तो वो देखिए बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, जिससे अगर सेंटर यानी मिडिल पे कोई पैसेंजर बैठा होगा तो आराम से अपने पैर को रख सकता है। चलिए एक झलक आपको ऊपर साइड दिखा दूँ, तो यहाँ पे फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स और ये देखिए इधर केबिन लाइट मिल जाएगी। तो पीछे की सीटिंग हमने कर ली है चेक, तो अब आगे बैठने से पहले आपको बूट चेक कराते हैं फिर बात करेंगे बाकी फीचर्स की। तो ये है XUV 400 जो कि XUV 300 से बड़ी है, इस वजह से यहाँ पे बूट स्पेस भी 300 से ज़्यादा मिलता है। ये देखिए 378 लीटर का बूट स्पेस आप इस गाड़ी पे चेक कर सकते हैं। हालांकि पार्सल ट्रे कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, तो आप डीलर साइड से इसको एज अ स्पेयर परचेज करके लगवा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोविज़न दिए हुए हैं, ब्रैकेट्स ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी स्पेयर व्हील जो है वो रखा हुआ है इधर फ्लैप के नीचे, ताकि चेक करा देता हूँ ये देखिए, और सारे टूल्स बड़े अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज पैटर्न पर लगे हुए हैं। देख लेते हैं स्पेयर व्हील जो है वो स्टील पे है, बाकी व्हील्स की तरह एलॉयज पे नहीं है। चलिए दोस्तों यहाँ पे बूट बैक सीटिंग स्पेस सब कुछ हमने चेक कर लिया है, अब बैठते हैं ड्राइविंग सीट पे और एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी के बाकी और सारे फीचर्स। महिंद्रा की बाकी गाड़ियों की तरह ही दोस्तों इसकी भी देखिए की वैसे ही सिमिलर दिखती है। बैक साइड पे यहाँ पे सेटिंग कॉपर फिनिश का महिंद्रा लोगो, लॉक अनलॉक बूट ओपनर बटन और एक इमरजेंसी की है, अगर किसी वजह से बैटरी डाउन हो जाती है इसकी की तो यहाँ पे हम इसके डोर को ओपन कर सकते हैं। चलिए चाबी को मैं यहाँ रख देता हूँ क्योंकि इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, तो कहीं से भी चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इग्निशन ऑन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर प्रोफाइल। देखिए ये है XUV 400 ऑल इलेक्ट्रिक SUV दोस्तों, मैं इस समय आपको चेक करा रहा हूँ इंटीरियर प्रोफाइल, एक बार आप चेक कर लीजिए। इस साइड पे आ जाते हैं, इधर कुछ कप होल्डर्स, आगे की तरफ एक आर्मरेस्ट जिसके अंदर बॉक्स दिया हुआ है। बाकी लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है टॉप मोस्ट वेरिएंट पे, और इस साइड पे देखिए तो इधर तो हेडलैम्प बीम एडजस्टर है, खूबसूरत बड़े साइज़ का क्लस्टर जिसमें मीटर सेंटर पे MID डिस्प्ले है। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इधर शो कर रहा है। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें प्रोवाइड किया गया है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स हैं, और इसमें इनबिल्ट नेविगेशन दिया गया है। इस साइड पे कुछ आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे यानी बटन्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये तो इंस्ट्रूमेंट पैनल के लिए हैं, यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन वगैरह को हम स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा इस साइड पर ड्राइव मोड्स भी दोस्तों इसमें दिए हुए हैं, तीन ड्राइव मोड्स आते हैं, फन फास्ट और फियरलेस। ये देखिए फन फास्ट और फियरलेस, और जब ड्राइव मोड्स चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से देखिए इसके मीटर की लाइटें भी चेंज हो रही हैं। तो ड्राइव मोड्स आप अपने ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़्यादा रेंज चाहिए या फिर ज़्यादा पावर पिकअप चाहिए उस हिसाब से आप इसमें ड्राइव मोड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस साइड पर AC के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, फर्दर नीचे चेक करा देता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक एसेसरी सॉकेट मिल जाएगा, पेंड्रव लगाने का ऑप्शन है, ऑक्सलरी पोर्ट का इधर ऑप्शन दिया हुआ है। बॉक्स भी चेक करवा देता हूँ, तो ये देखिए ये रस गाड़ी का ग्लव बॉक्स, जिसमें अच्छा खासा स्पेस अंदर काफ़ी अच्छी डेप्थ मिल जाती है, और ऊपर साइड एक छोटा सा ओपन स्पेस भी दिया हुआ है। एज अ सेफ्टी दोस्तों इसमें मिलते हैं टॉप मोस्ट वेरिएंट में, आपको चेक करा रहा हूँ तो 6 एयर बैग्स रखे हैं, 2 एयर बैग्स फ्रंट पे हैं। इसके अलावा अगर आप इसके देखिए ए पिलर पे चेक करिए या फिर बी पिलर पे चेक करिए, और पीछे की तरफ अगर आप सी पिलर भी चेक कर रहे हैं तो इसमें सब कर्टेन एयर बैग्स दिए हुए हैं दोनों तरफ। उस साइड पे चेक करा दिया, इस साइड पे आप देख लीजिए यहाँ पे आपको कर्टेन एयर बैग्स मिलेंगे, और फ्रंट की सीटों में भी इस साइड पे यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे, ये देखिए इसमें मार्किंग दे रखी है। तो टोटल 6 एयर बैग्स इस गाड़ी पे मिलते हैं।
बाकी और चीज़ें दिखाते हैं तो दोस्तों ऊपर साइड देखते हैं। यहाँ पे मैनुअल डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाएगा और आगे की तरफ सनग्लास होल्डर टॉप मोस्ट वेरियंट है तो इसमें आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक सनरूफ। इसको ओपन करके चेक करा देता हूँ। ये देखिए टॉप मोस्ट वेरियंट में सनरूफ दे रखी है, इसके नीचे जो इसी वेरियंट दिया हुआ है उसमें सनरूफ नहीं आती है। इसके अलावा टॉप मोस्ट वेरियंट पे रेन सेंसिंग वाइपर्स भी दिए हुए हैं, बारिश को सेंस करेंगे। अगर अपने ऑटो मोड पे करके रखा हुआ है वाइपर्स अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। 60+ कनेक्टेड कार फीचर्स भी इसमें दिए हुए हैं, ब्लू सेंस इसमें दे रखा है। चलिए यहाँ पर फीचर्स की बात हो गई, ट्रांसमिशन भी चेक कराते हैं जो कि अगेन एक बहुत ही खूबसूरत LED डिस्प्ले के साथ दिया हुआ है। यहाँ पर ये डिस्प्ले पैनल दे रखा है जिसमें ऊपर की तरफ पार्किंग लगाने का है, साइड में लीवर है, प्रेस करके यहाँ पे हम मोड चेंज कर सकते हैं। ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसमें अगर हमको रिवर्स के लगाना है तो ये रिवर्स लग गया। जैसे रिवर्स द पार्किंग मोड इफ़ यू नीड असिस्टेंस। यहाँ पे वॉइस मैसेजेस भी आते हैं, वॉइस अलर्ट्स भी दिए हुए हैं और बैक कैमरा देखिए स्टार्ट हो गया विद गाइडलाइंस इसमें दे रखी हैं। तो यहाँ से हम इसमें स्विच कर सकते हैं किस मोड पे ले जाना है। डी पे ले जाएंगे तो गाड़ी ड्राइव होने लगेगी। चलिए वापस इसको फिर हम पार्किंग मोड पे कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको चेक करा दी है महिंद्रा XUV400 ऑल इलेक्ट्रिक SUV, जिसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, बेटर स्टाइलिंग दे रखी है, अच्छी रेंज है, जल्दी गाड़ी चार्ज हो जाती है और प्राइस भी इकोनॉमिकल रखा हुआ है। कैसी लगी गाड़ी हमें ज़रूर बताइएगा, हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं ये बता दीजिएगा। अभी तक आपने कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे कि मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।